हे गाइस, मैं हूं एबी एडिट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज कुछ इस तरह का फोटो एडिट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, और साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम यूजर आई डी ये रहा, और इसमें मैं जो भी बैकग्राउंड PNG यूज करूँगा सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे बैकग्राउंड, इसे लेके चलते हैं PicsArt के अंदर। ये PicsArt के अंदर आ चुके हैं। अब चलेंगे ड्रॉ पे, वहाँ पे सारे PNG ऐड करेंगे। तो ये रहा ड्रॉ, ये ड्रॉ पे आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ क्लिक करना, ऐड ऑब्जेक्ट फोटो, और जो भी आपका मॉडल का PNG होगा यहाँ से इन करना है उसे। यहाँ से करना है डन। उसके बाद इसको सही से एडजस्ट करके लगा देना। सही से एडजस्ट करके लगाना ताकि चेक ना लगे। तो वो मेरा लग चुका है। उसके बाद फिर से यहाँ क्लिक करना एम्प्टी लेयर, इसके बाद एड ऑब्जेक्ट फोटो और शेडो का PNG लेंगे। अब ये वाला, इसके बाद इसको भी यहाँ से करना है डन। इसको इसके नीचे ऐसे रखना और बड़ा कर देना थोड़ा, जैसे इसे एडजस्ट कर लें। ऐसे करना, उसके बाद यहाँ क्लिक करना और ये शेडो का जो लेयर है इसको मॉडल के लेयर के नीचे लाना है। ठीक है, जैसे सही से एडजस्ट कर देना ताकि फेंक ना लगे। तो ये सारे बैकग्राउंड PNG लग चुके हैं। अब यहाँ एक लेंस लगाएंगे, इसके लिए फिर से यहाँ क्लिक करना है एम्प्टी लेयर, एड ऑब्जेक्ट फोटो, और ये लेना लाइट का PNG, और इसे यहाँ से करना है डन। उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड करना स्क्रीन, और इसको ऐसे लगा देना साइड पे, ऐसे यहाँ जहाँ सन है। तो ये हमारा हो चुका है, सारे बैकग्राउंड PNG ऐड हो चुका है। अब थोड़ा कलर ग्रेडिंग करेंगे ताकि रियलिस्टिक लुक आए फोटो में। तो वो करेंगे लाइटरूम पे। तो पहले फोटो को करते हैं सेव, उसके बाद चलेंगे लाइटरूम पे। तो चलो पहले फोटो को करते हैं सेव, ये 3 डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज। तो फोटो हमारा सेव हो चुका है गैलरी पे। अब करते हैं लाइटरूम ओपन। ये हमारा लाइट रूम ओपन हो चुका है। अब लाइट रूम के फोटो को करेंगे ऐड। जरा फोटो ऐड हो चुका है, अब ओपन करेंगे। ये लाइट रूम पे फोटो हमारा ओपन हो चुका है। तो पहला स्टेप है ये लाइट वाले के ऑप्शन पे जाके यहाँ से शेडो वगैरह सही करना, आप अपने फोटो के हिसाब से करना। मैं तो जैसा कर रहा हूँ आप वैसा ही करना। देखो, और यहाँ से ब्लैक माइनस की ओर लेके चलना। उसके बाद यहाँ क्लिक करना, फिर मिक्स, और ये यहाँ कुछ मत करना, बस ऑरेंज का सैचुरेशन कम करके ल्यूमिनेंस थोड़ा बढ़ा देना ऐसे, और कुछ यहाँ मत करना। और जो ब्लू कलर है उसका ह्यू माइनस की ओर लेना ऐसे, हो गया। इसे और कुछ मत यहाँ मत करना, आप अपने फोटो के हिसाब से करना। और यहाँ से इसे करते हैं डन।
अब फोटो को थोड़ा शार्प करेंगे, तो यहाँ क्लिक करके इसको 40 या 50 के अंदर ही रखना, 48 रख रहा हूँ, डिटेल्स 100%। देखो ऐसा करना आप भी, देखो सेटिंग देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्लिक करना, क्लियरिटी थोड़ा सा बढ़ाना है इसे, बस थोड़ा सा सिर्फ, और बिगनेट थोड़ा बस हल्का सा, हो गया। उसके बाद यहाँ सिलेक्टिव टूल पे जाके यहाँ क्लिक करना, नीचे से ग्रेडियंट मारेंगे ऊपर की ओर, इसमें उसके बाद ये लाइट वाले ऑप्शन पे जाके एक्सपोजर कम कर देना इसे। तो ये हो चुका है, इसे भी करना है डन। उसके बाद शेडो और हाईलाइट थोड़ा देंगे इसमें, तो यहाँ स्प्लिट टोन पे जाके यू का इसको रखना 50, फिफ्टी 60 के अंदर ही रखना, येलो टोन सा जैसे आए। और शेडो जो है ब्लू टोन रखूंगा मैं, ये हो चुका है। अब इसे करते हैं डन। तो हमारा फोटो फाइनल एडिट हो चुका है, देख सकते हो ये बिफोर कुछ ऐसा लग रहा था जो रियलिस्टिक लुक नहीं आ रहा था और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और ये आफ्टर सब कलर करेक्शन करने के बाद कुछ फोटो ऐसे लग रहा है। तो हमारा फाइनल एडिट ये है। तो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, और साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जो स्क्रीन पे आ रहा है वो है मेरा यूजर आईडी। तो गाइस वीडियो एंड हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।